आज मैं आपको जियो के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि इस समय फैली हुई हैं लोगों के बीच में। कुछ बातें जो सही हैं और कुछ बातें जो सही नहीं हैं। पहले मैं बात करूँ, एक बात आजकल चल रही है कि जिस मोबाइल में आप जियो का सिम डालेंगे वो मोबाइल में आप दूसरी सिम यूज नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। ऐसा इसलिए भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कंपनी कभी ऐसा नहीं करेगी। एक तो ये रूल के खिलाफ होगा। आप मान लीजिए कुछ भी ऐसा करते हो तो सबसे पहले तो ये कंपनी की बदनामी होगी। ये कंपनी ने ऐसा क्यों किया? इलीगल भी है ये, कानून भी नहीं है। आप किसी के मोबाइल को ब्लॉक कर दो तो ये एक भ्रामक बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, ये बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि 3 महीने बाद जियो आपसे सारा पैसा वसूलेगी, ये भी बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनी एक नामी ब्रांड है, वो ऐसा नहीं कर सकती। और फिर प्रीपेड में कोई बाद में पैसे वसूल सकता है? इम्पॉसिबल। लोग तो पोस्टपेड में भी नहीं देते। खैर, ये एक बिल्कुल ही भ्रामक बात है। हाँ, कुछ स्पीड को लेकर इशू ज़रूर है। इशू ये है कि कहीं कहीं इसकी स्पीड कम आती है। जहाँ पर नेटवर्क वीक होता है वहाँ तो बहुत ही कम आती है। अगर आप कोई लंबी फाइल डाउनलोड करें किसी और सर्वर से, जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड करनी है और आप YouTube से डाउनलोड नहीं कर रहे, तो उसकी स्पीड कम होगी। कभी कभी तो ये इतनी कम हो जाती है कि एयरटेल के 3G से भी कम होती है। तो ये बात सही है, स्पीड के मामले में कभी कभी ऐसा होता है कुछ कंडीशनों में। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।